बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ चैप्टर नंबर 3। आज हम उसमें पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स और फैमिलीज़ करेंगे। आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स का नाम देते हैं, और ये 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें 3 ग्रुपों में उठाएगा। दुनिया में रहते हुए हमने तैयारी करनी है कि हम कौन से ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। तो ये तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? जब हम कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, हमें पता चले कि हमारा रब कैसा है, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो आज से कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें। ऑल दो एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप डोंट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, जो अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, उनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो मुसलसल नहीं बढ़ते, येट दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन देयर वेलेंस शेल्स, लेकिन वेलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन उनमें एक जैसी होती है, यानी हर एक ग्रुप का आउटर शेल एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन रखता है। दैट इज़ द रीज़न एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड फैमिली, इसलिए एक ग्रुप को फैमिली भी कहा जाता है कि कुछ चीज़ें एक जैसी होती हैं और कुछ फ़र्क होती हैं। द ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17 कंटेन द नॉर्मल एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव इनर शेल्स दैट आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदरूनी शेल इलेक्ट्रॉन्स से भरे होते हैं। ओनली द आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट, सिर्फ बैरूनी शेल नामुकम्मल होता है। ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप 1 में जो है वो आप देख रहे हैं कि कॉलम ऊपर से नीचे ये फिल होता है। तो हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में होता है, लेकिन वो एक गैस है। ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वेलेंस शेल्स, इनके वेलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दे आर गिवन द नेम ऑफ एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव 2 वेलेंस इलेक्ट्रॉन, जितनी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके वेलेंस शेल में 2 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स आती हैं। ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मानी होता है इन बिटवीन स्टेट, दरमियानी हालत। ये ग्रुप जो है वो ग्रुप 2 और 13 के दरमियान है, इसलिए इसे ट्रांजिशन कहते हैं। इन मेटल्स में गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जिंक एंड सम ऑफ द मेटल्स आर इम्पॉर्टेंट मेटल्स, गोल्ड भी बहुत एक्सपेंसिव है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैटेगरी में आते हैं। फिर है ग्रुप 13, बोरोन फैमिली। ग्रुप 13 कंटेन्स अ मेटलाइट बोरोन एंड 4 मेटल्स, एक मेटलाइट है और 4 मेटल्स हैं। ऑल हैव 3 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इनके पास 3 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरोन फैमिली में एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। एल्युमिनियम जमीन की बालाई सतह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मेटल है। इसके अलावा जो बोरोन है उसका इस्तेमाल लेबॉर्ट्री के ग्लासवेयर में किया जाता है, क्योंकि जब इससे ठंडा और एकदम गर्म होने से शीशा टूटता नहीं है। फिर है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली
एटम्स ऑफ दिस फैमिली है फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस फैमिली के एटम में चार वेलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस फैमिली इंक्लूड्स द नॉन मेटल कार्बन मेटलॉइड्स एंड मेटल्स, इस फैमिली में कार्बन नॉन मेटल है, मेटलॉइड भी हैं और मेटल्स भी हैं। कार्बन इज द कॉल्ड द बेसिस ऑफ लाइफ, इसको जिंदगी का बुनियादी आंसर कहा जाता है। देयर इज एन इंटायर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डिवोटेड टू द कार्बन कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें सारा कार्बन कंपाउंड के मुतालिक है, ये इतना अहम है। फिर है 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल हैं। दीज एलिमेंट्स हैव 5 वेलेंस इलेक्ट्रॉन, इन अनासर में 5 वेलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वेलेंस शेल में। मैनी फर्टिलाइजर्स कंटेन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, बहुत सारी खादों में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। आवर बॉडीज बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स यूज टू हेल्प रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, हमारे जिस्म को भी इन अनासर की जरूरत होती है और खुराक जो हम खाते हैं उससे तवानाई मिलती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब हम माचिस को रगड़ते हैं तो शोला निकलता है, तो ये शोला रेड फास्फोरस की वजह से निकलता है, उसे रगड़ने से वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है और आग लग जाती है माचिस की टिप को। फिर है ऑक्सीजन फैमिली, द फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन एंड सल्फर आर एसेंशियल फॉर लाइफ, पहले दो अनासर ऑक्सीजन और सल्फर जिंदगी के लिए लाजम है। 6 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस फैमिली में। आप देखें कि इंसान, चिरिंद, परिंद, पौधे, हर चीज़ जो है वो ऑक्सीजन जो है उसके चाहिए होती है। फिर है हेलोजन फैमिली, इसके वेलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन इसके ग्रुप्स के नाम हैं। और अगर आप देखें तो जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो दीज आर नॉन मेटल्स, दे आर डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इनका कलर डार्कर होता जाता है। फ्लोरीन पेल येलो है, क्लोरीन ग्रीन येलो है, ब्रोमीन रेड ब्राउन है और आयोडीन इज ब्लू ब्लैक। उसके बाद जो 8वां ग्रुप है वो नोबल गैसेस का है। नोबल गैसेस जो हैं दे आर नॉन रिएक्टिव क्योंकि दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल। हीलियम का आउटर इलेक्ट्रॉन 2 से होता है और बाकी सब में जो है वो 8 शेल्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। इसीलिए ये जो गैसेस हैं दे ईच नोबल गैस हैज अ फुल वेलेंस शेल जिसकी वजह से ये गैर तामुल होती है, इनएक्टिव होती है। अब अगर इसका बहुत ज़्यादा आसान तरीका है कि ट्रांजिशन मेटल्स को 2 से 3 से 12 तक आप छोड़ दें तो बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको 3A, 4A और 5A, 6A और 7, 8 से नंबर दिया गया है। और आप देखें कि वेलेंसी 1 और 2 की 1 और 2 वेलेंस शेल्स हैं और बाकी 3, 4, 6, 7, 8 में वेलेंस शेल भी उतने हैं जो ग्रुप्स के नंबर हैं। तो ये एक आसान तरीका है वेलेंसी याद करने का। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब